हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये मैकबुक का लैपटॉप आया हुआ है। एप्पल मैकबुक का लैपटॉप है जिसका मॉडल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें मॉडल कहाँ पर होता है। इसका बैक साइड में मॉडल लिखा होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बैक साइड में मॉडल नंबर लिखा होता है। तो इसका जो मॉडल है वो है मॉडल नंबर A1398। इसका मॉडल है A1398। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हो रहा, तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता। ये हमारे पास कोरियर से लैपटॉप आया है गाजीपुर से, तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। नॉर्मली मैंने इसको बटन प्रेस करके ऑन करके देखा, नहीं हुआ, तो मैं इससे पहले चार्जर लगा के देखता हूँ कि चार्जर लगा के ऑन होता है या फिर नहीं होता। तो मैंने इसका चार्जर कनेक्ट कर दिया है, चार्जर कनेक्ट करके मैं देखता हूँ तो इसका जो चार्जर का लाइट है वो जलना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा चार्जर का लाइट होता है कनेक्ट करने के बाद वो जलना चाहिए, बट हमारा वो लाइट भी नहीं जल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम होता है। कस्टमर ने बोला है कि वो मदरबोर्ड अपने यहाँ पर कहीं पर दिखा चुके हैं, वहाँ पर रिपेयर नहीं हो पाया है। तो हमारे पास ये मदरबोर्ड चेंज होने के लिए आया है, तो अभी हम इसको खोलेंगे और इसका मदरबोर्ड चेंज करेंगे। तो मैंने इसका ऑलरेडी मदरबोर्ड ले रखा है, ये है हमारा न्यू वाला मदरबोर्ड जो हम इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, ये हमारा न्यू मदरबोर्ड है जो हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि मदरबोर्ड को हम मैकबुक में कैसे रिप्लेस करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें जो स्क्रू लगे हैं ये कोई भी मैकबुक वाले स्क्रू नहीं है, सारे ही हमारे नॉर्मल लैपटॉप वाले स्क्रू हैं। तो इनको नॉर्मली से ओपन, नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से ही ओपन हो जाएगा। ये हमारा जो बेस होता है, ये बेस यहाँ से आराम से निकल जाता है इस तरह से। ये हमारा बेस अलग हो गया है, इसको रख देते हैं। और सबसे पहला काम हमारा जो होता है, सबसे पहला हमारा काम इसमें होगा कि इसमें जो बैटरी कनेक्टेड होता है, हमें बैटरी को मदरबोर्ड से रिमूव करना है। तो ये है इसका बैटरी का कनेक्शन, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारा ये बैटरी का जो कनेक्शन है मदरबोर्ड से वो रिमूव हो चुका है। हमारा बैटरी का कनेक्शन रिमूव हो चुका है, अब हम मदरबोर्ड को पूरा खोलेंगे और मदरबोर्ड रिप्लेस करेंगे। तो अभी मैंने पूरा सारा कनेक्शन हटा दिया है इसका, अब मदरबोर्ड को मैं आराम से यहाँ से निकाल दूंगा। ये बिल्कुल ही नॉर्मली निकल आता है, अगर सारा कुछ हट गया है तो बिल्कुल ही आराम से बाहर आ जाता है हमारा मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड बाहर आ गया है, ये है हमारा पुराना वाला और ये है हमारा न्यू वाला जो हम इसमें लगाएंगे। तो अभी हम इसको उसमें फिट करते हैं। तो अब मैं ये मदरबोर्ड, हमने इसमें हीट सिंक फिट कर लिया है न्यू वाले मदरबोर्ड में, अब मैं इसको इस लैपटॉप के अंदर बेस में फिक्स करूंगा इसकी कैबिनेट में। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज होती है कि हमारा कोई भी वायर कहीं से दबा ना रह जाए हमें अंदर, नहीं तो हमें वो दिखाई नहीं पड़ेगा, और दिखाई नहीं पड़ेगा तो हमारा वो कनेक्शन नहीं होगा। तो हमें एक एक जो इसका वायर होता है सारे ध्यान से बाहर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ये हमें इसको फिक्स करना होगा। अगर हमारा कोई वायर अंदर रह गया तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा और उसका कनेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारा अच्छे से ये बैठ गया है, अब हम इसका सारा कनेक्शन कनेक्ट करेंगे, जो भी इसमें जितने भी वायर हैं ये सारे इसमें कनेक्ट करेंगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं।